कार्यक्रम में आज मौजूद है राजधानी के नवादा स्थित भारतीय संगीत कला मंच के ऑडिटोरियम में, जहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक कलाकार तन्नु तन्वीर। तन्नु तन्वीर एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनकी गायकी ही अपने आप में एक परिचय है। आइए मिलवाते हैं तन्नु तन्वीर जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप जो इतना सुरीला गाते हैं, इसका क्या राज है, कहाँ से सीखा आपने? ये मुझे बचपन से शौक था कि कैसेटों को सुनना, उनको सुन सुन के एक गॉड गिफ्ट होता है ना, उस तरह से मैंने सीखा है और ये कृपा है ऊपर वाले की। और अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनाया है और जिसमें हम रिकॉर्ड भी करते हैं, भजन भी, सॉन्ग भी, और ख़ुद प्रोग्राम भी करते हैं, जागरण वगैरह भी गाते हैं और शो वगैरह भी करते हैं। तो ये बस ऊपर वाले की कृपा है जो चल रहा है, गुजारा, गॉड गिफ्ट और माँ बापों का आशीर्वाद है। ये आप सुरों का जो तालमेल है वो कैसे बिठा पाते हैं, उसके लिए कितना रियाज करना पड़ता है आपको या करना पड़ा? रियाज की कोई सीमा नहीं होती और सिंगर की कोई उम्र नहीं होती और सिंगर कभी बूढ़ा भी नहीं होता है। तो आप जितना रियाज करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, जितना हम टाइम संगीत को देंगे उतना हम सीखने का हमें मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोगों को टाइम मिलता है हम लोग रियाज करते हैं, कभी कभी 2 घंटे भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, या 10 मिनट हो गया या आधा घंटा हो गया, जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से हम लोग सभी ये करते हैं और बस इसी के सहारे चल रहे हैं। बाकी तो आशीर्वाद ऊपर वाले का है और माँ बाप का है। मेरा सभी न्यू सिंगर्स के लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अच्छा गाने की, मेकअप से ज़्यादा ध्यान सिंगिंग पे होना चाहिए, एक सच्चाई है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। कैमरामैन गोपाल शर्मा के साथ VP शर्मा, INS न्यूज। थैंक यू। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है, मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे जिस तरह भुला।